ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर मोती सिंह राजपुरोहित, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप हमारे चैनल पे और जो अलग अलग पेज वगैरह बने हुए हैं, वहाँ रुद्राक्ष के विषय में आप बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह आपने देखे होंगे। रुद्राक्ष के विषय में हम जानकारी देते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के वीडियो वगैरह भी बनाते हैं, उनके माध्यम से आपको ये जानकारी देते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे दिखते हैं, उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। आज का वीडियो बनाने का जो हमारा मेन मोटिव है, वो हमारे जो चैनल पे हैं, जैसे फेसबुक वगैरह पे हैं, इंस्टाग्राम पे जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम है, न्यू फेसेस जुड़े हैं, तो उनको रुद्राक्ष के विषय में पूरी जानकारी मिले। रुद्राक्ष क्या है, कितने प्रकार के आते हैं, क्या उसका बेनिफिट है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओरिजिनल रुद्राक्ष कैसे दिखते हैं। तो हम अभी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहेगा, प्रोडक्ट के विषय में बहुत कम नॉलेज रहेगा। मतलब लाइव प्रोडक्ट हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं, उन तक एक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे, आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि ये रुद्राक्ष क्या महत्व है, इसका क्या मीनिंग है। मतलब रुद्राक्ष शब्द आपने सुना तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है कि रुद्राक्ष क्या है, किस लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, आध्यात्म क्षेत्र में किस तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है, सभी के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत लोगों को रुद्राक्ष के विषय में पहले ही इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, किस तरह के प्रोडक्ट आते हैं, किस तरह से उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रुद्राक्ष के विषय में बहुत कम जानते हैं। ऐसा भी देखा है दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, विद्वान हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, सभी तरह से उनको सब पता है कि एक मुखी से लेके किस मुखी रुद्राक्ष आ रहे हैं, उनके क्या महत्व है, बेनिफिट्स के बारे में पूरी जानकारी होती है, लेकिन ओरिजिनल रुद्राक्ष दिखता कैसा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ऑब्वियसली दोस्तों, अगर कोई चीज़ का बार बार उपयोग करते हैं, उस चीज़ को आप बार बार देखते हैं, तो आपके पास ये आइडिया आ जाता है कि आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ उसको पढ़ा है शास्त्रों में, उसके बारे में पूरा ज्ञान नॉलेज अर्जित किया आपने कि इतने प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं, ये बेनिफिट देता है, पांच मुखी ये बेनिफिट देता है, आठ मुखी ये बेनिफिट देता है, बट ओरिजिनल में दिखता कैसा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि ओरिजिनल में वो रुद्राक्ष दिखता कैसा है। क्योंकि जब तक आपने प्रैक्टिकली रुद्राक्ष को देखा नहीं है, हाँ आप रुद्राक्ष के विषय में बेसिक नॉलेज रखते हैं, आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली नहीं देखा है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये ऑथेंटिक है नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल में आप यूज करते हैं या रुद्राक्ष को आप बार बार देखते हैं, स्टडी करते हैं, ओरिजिनल रुद्राक्ष को जब फ्रूट में से पीलिंग करते हैं कैसे निकलता है, ये सब इन्फॉर्मेशन होती है, तब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। तो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों तक दोस्तों, कि मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ, जब से रुद्राक्ष मुझे, मतलब ये मैं एक्चुअली मेरा ये टारगेट नहीं था कि मैं इस बिजनेस में मतलब स्पेशली इन्वॉल्व हो जाऊंगा और ये बिजनेस के तरीके से मैं इसको करूंगा। रुद्राक्ष मेरा एक पैशन है, मुझे रुद्राक्ष के बारे में जानने की बहुत सारी जिज्ञासा थी। मैं स्कूल में, कॉलेज में जब भी था, तो कहीं भी रुद्राक्ष मुझे दिखता था तो मैं वहां तक पहुंच जाता था। मतलब एक एनर्जी मुझे वहां तक खींच के ले जाती थी कि यार कुछ ना कुछ है, इसके पास पहुंचो। वो रुद्राक्ष को मैं देखता रहता था, उसके बारे में जानता था। जो भी साधु महात्मा मुझे मेरे गांव में या मैं शहर में जहां पे भी जाता था, तो उनसे बात करता था कि ये रुद्राक्ष क्या है, इसका क्या उपयोग होता है। इस तरह से मेरी बहुत सारी जिज्ञासा है। मैं ये चैनल का वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगा, मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, फिर मैं इस फील्ड में आया और मैं फिर रुद्राक्ष के विषय में और जानकारी लेते लेते कहां तक पहुंचा, जिससे आपको एक आइडिया रहे दोस्तों कि आप किस तरह से रुद्राक्ष के विषय में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत लोगों से जानकारी लेते 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 एक टाइम ऐसा आया कि मैं बार बार ओरिजिनल रुद्राक्ष, डुप्लीकेट रुद्राक्ष, सभी तरह के रुद्राक्ष मेरे हाथ में आ रहे थे। मुझे ये मतलब ओरिजिनल वाला जो दे रहा है वो भी यही बोल रहा था कि ओरिजिनल है, डुप्लीकेट जो दे रहा था वो भी यही बोल रहा था कि ओरिजिनल रुद्राक्ष है, क्योंकि जो सेलिंग कर रहा है वो ऑलवेज यही बोलेगा, ऑब्वियसली बात है कि ओरिजिनल रुद्राक्ष है। पर मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि हाँ चलो उन्होंने बताया ओरिजिनल है,
सभी लोग सर्टिफिकेट भी दे रहे थे, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये रियल है ऑथेंटिक है। तो उसके ऊपर और स्टडी करता रहा करता रहा, फिर बहुत सारे रुद्राक्ष देखे, कुछ रुद्राक्ष को पीलिंग किया, छीला, देखा, फिर उसके बारे में जानकारी ली, फिर ये फेक रुद्राक्ष को उसमें से फिल्टर करना मुझे आइडिया आने लगा कि हाँ इस तरह के ओरिजिनल होते हैं, इस तरह के फेक रुद्राक्ष होते हैं। क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने उस पे प्रैक्टिकली अपना जो ज्ञान होता है वो या नॉलेज मैंने लिया, और उस पे जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए उसको देखा, तो ये आइडेंटिफाई करने लगा। तो इससे पता चला कि हाँ ये ओरिजिनल है, ये फेक रुद्राक्ष है, इस तरह के रुद्राक्ष आते हैं, इस तरह से फेक रुद्राक्ष बनाए जाते हैं। तो उसके लिए अलग अलग जगह ट्रैवलिंग भी किया, हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, जहां जहां से अच्छे अच्छे रुद्राक्ष प्राप्त हो सकते हैं सभी जगह गया और नॉलेज इसके बारे में लिया। फिर देखा कि मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं जो डुप्लीकेट रुद्राक्ष को सेलिंग कर रहे हैं, और ऑथेंटिक रुद्राक्ष प्राप्त करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है मार्केट में आज की डेट में। तो मैं अलग अलग फील्ड में वर्क भी करता था उस टाइम, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, और मैं साथ में रुद्राक्ष के विषय में और जानकारी लेते 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 एक समय ऐसा आया कि रुद्राक्ष लोगों तक ओरिजिनल मतलब फिल्टर करके, उनको पहचान करके, उनको पहुंचाने का कार्य, जैसे किसी मेरे फ्रेंड को रुद्राक्ष चाहिए तो वो मुझे बताए, तो मैं वो रुद्राक्ष दिलाने के लिए उनके साथ जाता था अलग अलग सोर्स से, जहां मुझे ट्रस्ट हुआ वहां से लिया, कहीं से लिया, उसको बताता था मुझे इस तरह का रुद्राक्ष चाहिए। इस तरह के जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमने देखे, फिर उसके बाद एक आइडिया लगा, फिर धीरे 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 फिर मेरे फ्रेंड सर्किल ने मुझे बोला क्यों ना तो इसी फील्ड का बिजनेस चालू कर, और लोगों तक एक ओरिजिनल रुद्राक्ष की जानकारी पहुंचा, और उनके एक ओरिजिनल रुद्राक्ष पहुंचा के भी एक सेवा का कार्य कर सकता है। तो मेरे शायद मेरे मेरे मतलब ऐसे मैं कहूँ तो मेरे नसीब में ये लिखा हुआ था कि ये माध्यम से मैं आगे बढ़ूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे सब लोगों का सुनने के बाद नेपाल गया, नेपाल से अलग अलग जगह पे विजिट किया, ये देखा और रुद्राक्ष के विषय में और देखे, और वहां से रुद्राक्ष ला ला के लोगों को सप्लाई करने लगा। तो रुद्राक्ष फिर लोगों को दिया, बहुत सारे लोगों को ओरिजिनल रुद्राक्ष दिए, और काफी लोग मेरे साथ जुड़े, तो एक मेरा अच्छा खासा सर्किल बना, और मैं काफी टाइम से रुद्राक्ष लोगों को प्रोवाइड कर रहा था दोस्तों। तो एक मतलब प्रैक्टिकली जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बार बार देखते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ओरिजिनल है ये, ऑथेंटिक रुद्राक्ष है। तो ये सारी चीजें मैं बार बार करता रहा प्रैक्टिकली, तो लोगों को लाता रहा, तो मुझे उसमें ये आइडेंटिफिकेशन क्लियरली हो गई कि जब रुद्राक्ष आप सामने रखो तो मैं उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। वो एक्सपर्टीज आ गई, तो उसके बाद मैंने पूरा इसको प्रोफेशनली बिजनेस के फील्ड में मैं आ गया, लोगों को रुद्राक्ष के विषय में जानकारी देता रहा। फिर काफी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया क्यों ना ये आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाए, जिससे और भी जो लोग हैं वो जुड़े, उनको ये पता चले कि ओरिजिनल रुद्राक्ष किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हमने दोस्तों कि ओरिजिनल रुद्राक्ष ऐसा आता है, इस तरह से दिखता है, इस तरह का फ्रूट आता है, उसमें से पीलिंग करने के बाद रुद्राक्ष निकलता है। तो ये वीडियोज वगैरह आपने देखे होंगे। तो आज का वीडियो अभी जो बना रहे हैं, अभी हम आगे इन्फॉर्मेशन वीडियोज बनाएंगे, जैसे एक मुखी का क्या बेनिफिट है, दो मुखी किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तीन मुखी का क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा, आज का ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, इसमें आपको बेसिक बेसिक पर्सनल एक्सपीरियंस और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर प्रोफेशनली हम वन बाय वन, पार्ट वन, पार्ट टू, या अलग अलग तरीके से जो भी हमें कंफर्टेबल लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्राई करेंगे कि आपको इजीली वीडियो मिले और आप उसको देखें और रुद्राक्ष के विषय में जानकारी लेते रहें। हम स्टार्ट करेंगे जिसमें रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है, रुद्राक्ष के क्या लाभ है, कितने प्रकार के आते हैं, कौन रुद्राक्ष पहन सकता है, किस तरह से पहनना चाहिए, रुद्राक्ष को एनर्जाइज कैसे किया जाता है, रुद्राक्ष पहनने के बाद किन नियमों का आपको ध्यान रखना है कि हाँ आपने रुद्राक्ष पहन लिया है, अब ये नियम का आपको पालन करना है। क्योंकि आपने बहुत सारा सुना होगा रुद्राक्ष पहन के आप ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष पहन के आप वो नहीं कर सकते, रुद्राक्ष तो उसको पहनना ही नहीं चाहिए, स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए, उनको नहीं पहनना चाहिए, ऐसी बहुत सारी मिथ्याएं मार्केट में अभी फैल चुकी है दोस्तों। तो जो भी आपको हमारे यहाँ से चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो 100% ऑथेंटिक, हमारा यही प्रयास रहेगा दोस्तों कि आप तक एक 100% एक्यूरेट जानकारी पहुंचे, आपको ये पता चले कि हाँ ये ऑथेंटिक रुद्राक्ष है, ये रियल रुद्राक्ष है, किस तरह से पहनना चाहिए, और आप रुद्राक्ष धारण करके अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन पूरा रुद्राक्ष के विषय में मिलेगा, और उसमें जो भी जानकारी रहेगी आपको रुद्राक्ष के विषय में जितना पॉसिबल होगा एक्सप्लेन करने का हम ट्राई करेंगे, तो आपको रुद्राक्ष का कंप्लीट डिटेल मिले।
हाँ रुद्राक्ष कैसे दिखते हैं, प्रोडक्ट शायद हम वीडियोस में नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबे बन जाते हैं अगर प्रोडक्ट के साथ अपना ऐड करते हैं। प्रोडक्ट के ऑलरेडी हमने जो हमारा चैनल है आप देखेंगे पास्ट की वीडियोस में बहुत सारे प्रोडक्ट की वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दी है दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं कि एक मुखी कैसा है, दो मुखी कैसा है, तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी, सभी रुद्राक्ष को प्रैक्टिकली हमने अलग अलग फिजिकली फॉर्म में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। उसमें फिर आप उनकी लाइनिंग कैसे काउंट कर सकते हैं, उनका रुद्राक्ष का फ्रंट कैसा होता है, बैक कैसा होता है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे और सब जगह अलग अलग हमने प्रेषित किए। तो आप एक बार अगर नए हैं तो आप देख लीजिए, आप चैनल पे एक बार हमारे, अगर आप फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं ये वीडियो को तो भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास्ट के वीडियो देख लीजिए और नए वीडियो जो आपको आने वाले हैं हमारे चैनल पे वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और वीडियो में आपको जितना हो सके उतना बेस्ट से बेस्ट आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि रुद्राक्ष के बारे में जितना डीपली नॉलेज मिले, उत्पत्ति से लेके उसके क्या लाभ है, कितने प्रकार के होते हैं, सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। और आप लोगों का प्यार ही है जो हम ये आगे और अलग अलग नए नए आइडियाज हम लेके आते हैं कि आपको और हमें क्या बना के देना चाहिए, किस माध्यम से आप रुद्राक्ष के विषय में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आपने हमें ढेर सारा प्यार दिया है दोस्तों, रेगुलर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप इसी तरह से आपका जो प्रेम है प्यार है मैं मिलता रहे, ये वर्ल्ड वाइड हमारा तो टारगेट एक ही है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जितने भी रुद्राक्ष लवर हैं बस वो हमारे चैनल तक पहुंच जाए, वीडियो देखें और उनका दिल प्रसन्न हो जाए, दिल बाग बाग हो जाए, बस हमारा यही प्रयत्न रहता है दोस्तों कि जितने भी जो रुद्राक्ष लवर हैं, जो रुद्राक्ष से प्रेम करते हैं, जो रुद्राक्ष को बाय करना चाहते हैं, ओरिजिनल रुद्राक्ष को पहनना चाहते हैं, ओरिजिनल रुद्राक्ष के विषय में और जानकारी लेना चाहते हैं, वो ये वीडियो देखें और उनको और डिटेल में जानकारी मिले। अलग अलग रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन आते हैं उसके भी वीडियोज हमने बनाया है, हम फ्यूचर में और बहुत सारे बनाएंगे, डिटेल में आपको वन बाय वन पूरा बताएंगे कि गौरी शंकर क्या कार्य करता है, 14 मुखी का क्या बेनिफिट है, 5 मुखी क्या लाभ देता है, अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस जो बनाए जाते हैं रुद्राक्ष के वो किस तरह से प्रयोग में आते हैं, तो ये सभी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, समय हमें दिया, हमारे वीडियो को देखा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि जो आने वाली इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, रुद्राक्ष के विषय में बहुत सटीक में और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अलग अलग मुखीज के विषय में, तो आप और ज्यादा जानकारी भी ले पाएंगे और कंप्लीटली आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये रुद्राक्ष मुझे पहनना चाहिए, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई फिर आपका जो दिल करे कि मुझे ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इसका ये लाभ है, तो मुझे अपने हिसाब से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कुछ कॉम्बिनेशन बना के भी पहन सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में कंप्लीट जानकारी के साथ रुद्राक्ष के विषय में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।